उसको ब्रीफ कर देता हूँ, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कितना ब्रीफ काम हो सकता है, और जब फैलाना हो तो बहुत फैला भी सकते हैं। तो इन 7 स्टेप्स को अगर देखेंगे तो बहुत ब्रीफली अगर देखने जाएंगे तो हम लोग इतना कर रहे हैं कि पहले स्टेप में अपने कल्पनाशीलता के प्रति होश में आने का काम कर रहे हैं, उसके प्रति सजग होने का, उसके प्रति जागरूक होने का, बस इतना काम कर रहे हैं। जो भी चल रहा है अपने में कल्पनाशीलता में, जैसा भी चल रहा है उसको सिर्फ देखना है, उसके प्रति होश में रहना है, उसके प्रति जागरूक रहना है। सही चल रहा है तो भी, गलत चल रहा है तो भी, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। इतना काम हम लोग स्टेप 1 में कर रहे हैं। ये स्टेप 1 बहुत फंडामेंटल स्टेप है, जिसको हम लोग को हर क्षण होश पूर्वक करते रहना है, क्योंकि इसी के आधार पर आगे के सारे स्टेप पर काम हो सकता है। एक बार ये पहले स्टेप पर काम होने लगा तो नेक्स्ट जो 2 स्टेप हैं, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, स्टेप 2 में हम लोग ये पूछ रहे हैं कि इस क्षण मेरे में जो भाव है, जो इच्छा है ना, वो हमारे लिए सहज स्वीकार है कि नहीं, उस भाव की मैं निरंतरता चाहता हूं कि नहीं। तो ये पूछ रहे हैं कि ये भाव सहज है या असहज है। स्टेप 3 में पूछ रहे हैं कि ये भाव हमारे लिए सुखद है कि दुखद है। ठीक, इतना काम कर रहे हैं स्टेप 1 2 एंड 3 में। स्टेप 1 में इस बात को देख रहे हैं कि क्वेश्चन मेरे में क्या भाव विचार चल रहा है। स्टेप 2 में पूछ रहे हैं ये भाव हमारे लिए सहज है कि असहज है। स्टेप 3 में पूछ रहे हैं कि ये भाव हमारे लिए सुखद है कि दुखद है। इतना काम है पहले 3 स्टेप। और अगर आपका ध्यान ठीक से जाने लगे, स्थिर होने लगे, तो ये 3 स्टेप को भी एक साथ मर्ज कर सकते हैं। इस बात को इस रूप में देख सकते हैं कि इस क्षण मेरे में जो भाव है वो सहज है, सुखद है कि नहीं। इतना काम है, बट अभी जल्दी बहुत मत करिएगा, है ना। हम लोगों ने बहुत इंटरेक्शन के बाद ही ये निष्कर्ष निकाला कि ये 3 स्टेप को अलग अलग कर लेना ठीक है। खास करके स्टेप 1 को तो बिल्कुल अलग रखना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हैं और इवेल्युएशन करते हैं, आप कहीं ना कहीं रिएक्शन करने लगते हैं। इसलिए इवेल्युएशन ना करें, ऐसा स्टेप 1 में बार बार आग्रह है कि सिर्फ देखें, कम से कम होश में तो आए, तब तो आगे काम होगा। अभी तो रिएक्शन करते हैं आप बेहोश हो जाते हैं, अब बेहोशी की स्थिति में कोई काम आप कर ही नहीं पाते। इसलिए पहला स्टेप तो यह है कि होश में आ जाए, जो भी चल रहा है उसको देखने का तो मादा बल है बने। एक बार स्टेप 1 में हमको दिख गया, ये कैपेसिटी हमारे में डेवलप हो गई कि हम अवेयर भी रह सकते हैं और रिएक्शन भी नहीं कर रहे हैं, तब स्टेप 2 एंड स्टेप 3 को काम कर सकते हैं, तब मूल्यांकन कर सकते हैं। तो स्टेप 2 और 3 में मूल्यांकन कर रहे हैं लेकिन रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। स्टेप 1 में ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, मूल्यांकन अभी नहीं कर रहे स्टेप 1 में। स्टेप 2 में ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, इवेल्युएशन भी कर रहे हैं, लेकिन रिएक्शन नहीं कर रहे हैं। स्टेप 3 में भी देख रहे हैं, होश में है, होश पूर्वक मूल्यांकन कर रहे हैं, लेकिन रिएक्शन नहीं कर रहे। ये 3 स्टेप पर काम हमको करना है। इसको बहुत फैला के भी कर सकते हैं, इसको बहुत समेट के भी कर सकते हैं, है ना। तो उस पर काम अभी जारी रखिए। ये 3 स्टेप का जो कंक्लूजन है वो ये है कि हम सहज भाव के साथ सुखी होते हैं, असहज भाव के साथ दुखी होते हैं। तो मेरे भाव विचार पर मेरा सुख दुख निर्भर करता है, इतना कंक्लूजन पहले 3 स्टेप से निकल आता है। तो ये दिख गया हमको कि मेरे भाव विचार के आधार पर मेरा सुख दुख तय हो रहा है। तो अगला जो प्रश्न बनता है वो ये है कि इस भाव विचार का निर्णय कौन लेता है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वही हमारे सुख दुख का कारण है। तो उसी को स्टेप 4 में पूछ रहे हैं कि ये जो भाव विचार मेरे में इस क्षण है, इसका निर्णय किसने लिया।
बाह्य परिस्थिति ने लिया, दूसरे व्यक्ति ने लिया या मैंने लिया। ऐसा हर भाव के संदर्भ में अब हमको जांच के देखना है। तो इस क्षण अगर मेरे में विरोध का भाव आया तो उसको किसने तय किया, इस क्षण मेरे में अगर स्नेह का भाव आया तो उसको किसने तय किया, इसको मुझे हर क्षण अपने में देखना है। इसको देखता हूं तो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये निकलता है कि बाहर से ध्यानाकर्षण तो हो सकता है, बाहर से कोई प्रोसेस ट्रिगर तो हो सकता है, लेकिन उसमें अंततः मेरा भाव क्या बनेगा, मेरा विचार क्या चलेगा, उसका निर्णय तो मैं स्वयं करता हूं। इस बात को हमको हर क्षण देखना है। हर जो भी परस्परता में इंटरेक्शन हो रहा है उसमें जो भी भाव विचार बन रहा है उसमें देखना है कि जो भी इंटरेक्शन हुआ उससे हमारा ध्यान गया न किसी चीज की तरफ, किसी वास्तविकता की तरफ, बट उसके संदर्भ में क्या भाव विचार रखना है उसका निर्णय तो मैं स्वयं लेता हूँ। तो जो उदाहरण हम लोग बार बार ले रहे हैं कि कोई अपशब्द हमारे कान में पड़ता है तो उस बोलने वाले के प्रति मेरे में विरोध का भाव आएगा या दया का भाव आएगा, इसका निर्णय तो मेरा ही है। अगर मैं ये देखता हूँ कि वो हमको अपमानित करना चाहता है तो विरोध का भाव आता है। अगर मैं ये देखता हूँ कि वो आदमी परेशान है, परेशान होकर ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रहा है, तो मेरा उसको उसके प्रति दया आती है। तो मेरे भाव विचार का निर्णय तो मैं स्वयं ही करता हूँ, बाहर की परिस्थितियां अनुकूल है या प्रतिकूल, इस बात को हमको देखना है। स्टेप चार की जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि शुरू में जब हम देखने जाते हैं तो बहुत सारा हमको ऑब्जर्वेशन करना जरूरी होता है, लेकिन जैसे जैसे हमको ये दिखने लगता है कि भाई निर्णय तो मैं ही ले रहा हूं, तो एक बार ये दिख गया तो फर्म हो गया, तो प्रैक्टिकली हम स्टेप फोर में एक डेफिनेट जगह पर पहुंच जाते हैं, और इसलिए फिर स्टेप फोर पर बहुत काम करने की जरूरत नहीं है। लौट के तभी काम करने की जरूरत होगी जब आपको ये शंका होने लगे कि नहीं मैं जिम्मेदार नहीं था, दूसरा जिम्मेदार, वहां फिर से ऑब्जर्व कर लीजिए। बट अदरवाइज हम एक बार अगर देख पाए कि भाई जिम्मेदारी तो मेरी है, निर्णय तो मैं ही लेता हूँ, बाहर की परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, तो हमारा काम हो गया। फिर स्टेप फोर हमारे लिए एक तरह से स्टेबल कंडीशन है जो हमारे बैकग्राउंड में बना हुआ, उस पर बहुत अब मेहनत करने की जरूरत नहीं। एक बार हमको दिख गया कि निर्णय मैं लेता हूं, तो स्टेप पांच में अब ये पूछ रहे हैं कि भाई इस निर्णय लेने का आधार क्या है मेरा, किस आधार पर मैं निर्णय लेता हूं, इसको देखने का काम हम लोग कर। तो निर्णय दो आधार पर ले सकते हैं, जिस वास्तविकता के साथ जीने के संदर्भ में मैं अपने भाव विचार का निर्णय ले रहा हूं, अगर उस वास्तविकता को मैंने समझा है तो उस समझ के आधार पर निर्णय लेता हूं, अगर उस वास्तविकता को समझा नहीं है तो उसके बारे जो मान रखा है उस मानना के आधार पर निर्णय लेता हूं, इस बात को अपने को देखना है। इसको देखते हैं तो यह भी दिखाई पड़ता है कि जब मैंने वास्तविकता को समझा है और वास्तविकता के आधार पर अपने भाव विचार, वास्तविकता को समझने के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय ले रहा हूं, तो मैं सही भाव के पक्ष में निर्णय ले पाता हूँ, सहज भाव के पक्ष में निर्णय ले पाता हूँ, सुखद भाव के पक्ष में निर्णय ले पाता हूँ, और इस आधार पर सुखी हो पाता हूँ। तो ये जो निश्चितता हमको दिखती है कि समझ के आधार पर सही भाव के पक्ष में निर्णय लेकर मैं सुखी हो सकता हूँ, यहां से हमको ये आवश्यकता दिखती है कि हमको सही समझने की आवश्यकता है। जिन वास्तविकताओं के साथ हम जी रहे हैं उन वास्तविकताओं को ठीक ठीक समझने की आवश्यकता है, इतना हमको दिखाई पड़ जाता है स्टेप पांच में। एक बार ये आवश्यकता दिख गई सही समझने की और इस बात को समझने की कि कौन सा भाव मेरे लिए सहज है, सुखद है, इस बात को देखने की आवश्यकता बन गई, उसी को हम स्टेप छह में और स्टेप सात में आगे काम कर रहे हैं। स्टेप छह में दो भाग में काम कर रहे हैं। पहले भाग में इस बात को जांच रहे हैं कि कौन सा भाव हमारे लिए सहज है, सुखद है, तो पूरे जीने को, फैलाव को देखें, पूरे अस्तित्व के साथ जो हमारा जीना है उसको देखें, तो उसमें कौन सा भाव हमको सहज स्वीकार होता है, कौन सा भाव हमारे लिए सुखद है,
संबंध का भाव या विरोध का भाव, संगीत का भाव या अंतर विरोध का भाव, व्यवस्था का भाव या अव्यवस्था का भाव, इसी तरह से सहस्तित्व का भाव या संघर्ष का भाव। कौन सा भाव हमको सहज स्वीकार होगा, कौन सा भाव हमारे लिए सहज है, सुखद है, इसको जांचने का काम कर रहे हैं। तो इसको हर क्षण जांच लीजिए कि संबंध का भाव हमारे लिए सहज है, सुखद है या विरोध का भाव, व्यवस्था का भाव सहज है, सुखद है या व्यवस्था का भाव, सहस्तित्व का भाव सहज है, सुखद है या संघर्ष का भाव। इसको भी जब हम जांचते हैं तो एक समय पर यह दिख जाता है हमको, हर बार जांचते हैं, हर बार देखते हैं, लेकिन अंततः एक जगह पर यह दिख जाता है कि संबंध, व्यवस्था और सहस्तित्व का भाव ही हमारे लिए सहज है, सुखद है, न कि अव्यवस्था का, विरोध का और संघर्ष का। तो देखना है पहले तो हर बार हर क्षण, लेकिन एक जगह पर जाकर ये दिख जाता है कि संबंध, व्यवस्था और सहस्तित्व का भाव ही हमारे लिए सहज है, सुखद है। तो अब ये भी हमारे लिए स्टेबल हो गया, हमारे लिए एक बैकग्राउंड के रूप में उपलब्ध है, तो फिर बहुत स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। जैसा स्टेप 4 में दिख गया वैसा स्टेप 6 में दिख जाता है। जो दूसरा पार्ट है स्टेप 6 का, कि अब मैं संबंध को, व्यवस्था को, सहस्तित्व को समझने का काम करता हूं ना, क्योंकि यही हमारे लिए सहज स्वीकृत भाव है, तो उसी को बनाऊंगा और उसको समझूंगा सारे विस्तार से। तो ये जो दूसरा काम है पार्ट बी का, वो एक ऑनगोइंग काम है। तो जैसा मैंने इंगित किया था कि USB 1 से लेकर अभी तक जो भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो इसी संदर्भ में कर रहे हैं कि संबंध हमको समझ में आ जाए, व्यवस्था समझ में आ जाए, सहस्तित्व समझ में आ जाए। तो USB 1 में पहले कोर्स में इस बात को शुरू किया था कि मानव मानव संबंध क्या है उसको समझ लें, परिवार में व्यवस्था क्या होगी, समाज में व्यवस्था क्या होगी, पूरे प्रकृति में व्यवस्था क्या होगी या क्या है, वो सबको समझने के काम से शुरू किया था। उसी को और विस्तार कर रहे हैं। USB 2 में अपने में व्यवस्था के बारे बहुत विस्तार से बात किया था, USB 3 में समाज में व्यवस्था के संदर्भ में बहुत विस्तार से बात की। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, अभी भी जो चर्चा कर रहे हैं है ना, वो समझने के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं है ना, और जिन वास्तविकताओं को देखना है उसको देखने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। तो छठे स्टेप में ये दिख जाता है कि संबंध, व्यवस्था और सहस्तित्व का भाव ही हमारे लिए सहज है, सुखद है। तो सातवें स्टेप में बस हम इतना ही काम कर रहे हैं कि इस क्षण मेरे में जो भाव विचार चल रहा है वो संबंध के अर्थ में है, व्यवस्था के अर्थ में है, सहस्तित्व के अर्थ में है, इसको सुनिश्चित कर रहे हैं। इतना सुनिश्चित करते हैं तो हम अपने में संगीत में रहते हैं, आराम में रहते हैं, सुखी रहते हैं। अगर हर क्षण हम इस काम को सुनिश्चित कर सकें कि हर क्षण मेरे में जो भाव है वो संबंध के अर्थ में है, व्यवस्था के अर्थ में है, सहस्तित्व के अर्थ में है, अन्यथा नहीं है, तो हर क्षण हम अपने में आराम में रह सकते हैं, संगीत में रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, निरंतर सुखी हो सकते हैं। इतना ही हमारे लिए करने का काम है, इतना ही हम चाहते हैं, निरंतर सुखी होना। तो अगर हर क्षण हम इस बात को सुनिश्चित कर सकें कि इस क्षण मेरे में जो भाव है वो संबंध के अर्थ में है, व्यवस्था के अर्थ में है, सहस्तित्व के अर्थ में है, अन्यथा नहीं है, तो हर क्षण हम अपने में आराम में रह सकते हैं, संगीत में रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, इस आधार पर निरंतर सुखी हो सकते। तो इन 7 स्टेप पर हम लोग अभी तक काम करते रहे हैं। इन 7 स्टेप पर आगे हम लोग को हर क्षण काम करना है। हर क्षण करना है का मतलब ये कि हर क्षण ही करना है। हर क्षण इसलिए करना है क्योंकि हमारी कल्पना चिंता तो हर क्षण चली रही है, हमारा भाव विचार तो हर क्षण चल ही रहा है, और उसके आधार पर हम सुखी दुखी हो ही रहे हैं। इसलिए हमको हर क्षण अपने भाव विचार के प्रति सजग रहना है, होश में रहना है, उसका मूल्यांकन करना है और इस बात को सुनिश्चित करना है कि इस क्षण मेरे में जो भाव विचार है वो संबंध के अर्थ में है, व्यवस्था के अर्थ में, अस्तित्व के अर्थ में, अन्यथा नहीं है। इतना हम कर पाएंगे तो हर क्षण हम अपने में
आराम में रहेंगे, संगीत में रहेंगे, सुखी रहेंगे। इतना हमारे लिए करने का काम है। इतने को देखेंगे तो थोड़ा बहुत हम ऑब्जर्वेशन और कर देते हैं जो आपके लिए आगे प्रयोग करने के दृष्टि से उपयोगी रहेगा। ये जो बात मैंने कही थी कि 7 स्टेप्स तो हम लोगों ने हमारी अपनी आपकी सबकी परिस्थिति को ध्यान में रखकर है ना आर्टिकुलेट किया, बट अब एक बार हमारी कैपेसिटी बनती जाए तो हम उसको संक्षिप्त भी कर सकते हैं और कई जगह आवश्यकता अनुसार और फैला भी सकते हैं। तो अभी संक्षिप्त करने वाली बात को थोड़ा देख लेते हैं। तो अभी जैसा मैंने कहा कि स्टेप 1, 2 और 3 को तो हम एक साथ देख सकते हैं कंबाइन करके, ठीक। स्टेप 4 के बारे में भी बताया मैंने कि एक बार निष्कर्ष निकल गया कि भाई अपने भाव विचार का निर्णय तो मैं स्वयं लेता हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ, मैं 100% जिम्मेदार हूँ, तो स्टेप 4 का जो काम है वो अपने आप में स्थिर हो गया। अब उसके लिए कोई और आगे अपने को मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो पहला 3 स्टेप को हम मर्ज के लिए, चौथे पर जो काम होना था वो हो गया। 5वें में भी ये दिख जाए कि भाई समझ के आधार पर जिन वास्तविकताओं के साथ हम जी रहे हैं, अगर उनने उसको ठीक से समझा है तो उसके बारे में हम सही भाव के पक्ष में निर्णय ले पाते हैं, सहज भाव के पक्ष में निर्णय ले पाते हैं, सुखद भाव के पक्ष में निर्णय ले पाते हैं। जबकि समझ के अभाव में मान्यता के आधार पर जब हम निर्णय लेते हैं तो उसमें निश्चितता नहीं रहती। ये एक बार दिख गया तो भी हमारा काम हो गया, अब इसको बहुत बार बार देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हो गया वो। इसी तरह से स्टेप 6 को अगर आप देखेंगे तो एक बार आपने ये जांचना शुरू किया कि भाई संबंध व्यवस्था और अस्तित्व का भाव हमारे लिए सहज है या विरोध का, अव्यवस्था का और संघर्ष का, इसको प्रारंभ में तो बहुत बारीकी से जांचने की जरूरत है, लेकिन धीरे धीरे एक बार हमको ये दिख जाता है कि भाई संबंध व्यवस्था और अस्तित्व का भाव ही हमारे लिए सहज है और वो स्थिर हो जाता है। तो कुल मिलाकर देखेंगे तो स्टेप 7 पर फिर काम करने की जरूरत है। इस पर हर क्षण काम करने की जरूरत है कि इस क्षण मेरे में जो भाव विचार चल रहा है वो संबंध के अर्थ में है, व्यवस्था के अर्थ में है, अस्तित्व के अर्थ में है, अन्यथा नहीं। तो आप पूरे को अगर कंबाइन करके देखें स्टेप 1 से 7 तक, तो स्टेप 1, 2, 3 का मतलब है कि जो भी हमारे में भाव विचार चल रहा है कल्पना चिंता में, उसको जांचेंगे, देखेंगे, उसके प्रति होश में रहेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे कि ये भाव इस क्षण मेरे में जो चल रहा है वो सहज है कि नहीं, सुखद है कि, ठीक। स्टेप 7 में जाएंगे, वहां पर ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि इस क्षण मेरे में जो भाव विचार है वो संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व के अर्थ में ही है, जो सहज है, सुखद है, अन्यथा नहीं। इतना ही काम है। तो स्टेप 1, 2, 3 को कंबाइन करके देखें कि क्या भाव विचार मेरे में चल रहा है, उसका मूल्यांकन करें, ये सहज है कि नहीं, सुखद है कि नहीं, और स्टेप 7 पर पहुंच जाए, इस बात को सुनिश्चित करें कि इससे जो भाव विचार है मेरे में वो तो संबंध व्यवस्था और सस्तित्व के अर्थ में ही है, क्योंकि वही सहज है, वही सुखद है। इतना कर लेंगे तो हर क्षण हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि भाई हमारे में जो भाव विचार है वो संबंध व्यवस्था और सस्तित्व के अर्थ में है, इसलिए सहज है, सुखद है, इसलिए मैं अपने में आराम में हूँ, संगीत में हूँ, सुखद। इतना काम है बस। तो बहुत समेट कर देखेंगे तो इतना है, ठीक है। ये इसको फैलाना हो तो बहुत फैला सकते हैं, उस भाग को भी मैं छोड़ देता हूं। अभी पहले समेटने वाले को देख लीजिए, फैलाने वाले को भी एक बार बता देंगे कि अगर स्टेप 1 को ही फैलाना हो तो बहुत कुछ फैलाने को, स्टेप 2 को फैलाना हो तो बहुत कुछ फैलाने को। जितनी सूक्ष्मता आपकी बढ़ती जाएगी उतना सूक्ष्मता से आप देख पाएंगे, उतनी सूक्ष्मता से उसको मूल्यांकन कर पाएंगे।